थी उसमें खुदा था, जारी खुदा नहीं थी उसमें खुदा था। इसी तरह जो बदल हजरत मरियम सदीका के बतने अतहर से मालूद हुआ वो बदल खुदा नहीं था उसमें खुदा था। यह हद जिस्म का राज, ये तो जिस्म का राज है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, पहला तिमोथियस तीसरे बाब की 16वीं आयत, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, और जो यूनानी में फिक्र है उसका इंग्लिश में तर्जमा यह है गॉड मैनिफेस्ट इन द फ्लैश, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। वो जो अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्म होकर, अलूहियत की सारी मामूरी 40 दिन के लिए मूसा के पास आता है, उसके निजाम में कोई फर्क पड़ता है? अगर वो एक बदल में काम करता है, मसीह में काम करता है, तो उसका निजाम बिगड़ गया, उसके निजाम में कोई फर्क नहीं आता। क्या मूसा की लाठी में कोई पावर थी कि वो बैरा कुलदम को दो हिस्से कर दे? बैरा कुलदम को दो हिस्से किसने किया? खुदा ने। क्या एलिया की चादर में कोई पावर थी कि वो दरिया यर्दन को दो हिस्से कर दे? किसने किया? खुदा ने किया। क्या अलीशा की छड़ी में कोई ताकत थी कि कुहाड़ा उत्ते तरन लग पावे? क्यों जी, किसने किया? खुदा लाठी में काम कर सकता है, खुदा चादर में काम कर सकता है, खुदा छड़ी में काम कर सकता है, एक बदल में क्यों नहीं कर सकता? अजी क्या खुदा महदूद है? अजी वो कुल्ले शैन कदीर है। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप, पहला जो काम अधूरा नामुमकिन था वो यस्सू ने किया। दूसरा काम कुलसियों दूसरे बाब की 14वीं आयत, हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी सलीब पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। हाँ जी, जो गुनाह की रोकथाम हो गई। तो कैसे गुनाह की रोकथाम हुई? वो जिस तरह एक नहर आ रही हो, अगर उस नहर के आगे बांध बांध दे तो क्या नहर का पानी रुक जाएगा? क्यों जी, वो किनारों को भी तोड़ देगी। तो इसी तरह होता रहा, जो जो अंबिया आते रहे गुनाह और बढ़ता गया। गुनाह की रोकथाम कैसे हुई? सलीब पर जब मेरा मसीहा जलवा फरोज है, ओ आके रोमी सिपाहियों देखा कि वो रेल फरमा चुका है, मर चुका है, तो दूसरे दो डाकुओं की तो टांगे तोड़ी मगर मसीहा की टांगे नहीं तोड़ी, और तसल्ली के लिए उसकी पसली में बाला मारा, पसली में बाला मारा, नेजा मारा, और वहां से लिखा है पानी, जब इंसान मर जाता है तो उसके खून में से पानी अलहदा हो जाता है, 68% पानी है खून में, तो पानी अलहदा हो जाता है, और वही पानी बह निकला, वही पानी जो हमारे गुनाहों को दो ढालता है, जो हमारे गुनाहों को। और क्यों भाला पसली में खाया? वो सर में भी भाला मार सकते थे, वो टांग पर भी मार सकते थे, बदन के किसी और हिस्से में भी मार सकते थे, क्यों पसली में भाला मारा? और क्यों मेरे मसीहा ने पसली में भाला मारा? हवा कहां से तैयार हुई थी? पसली से। गुनाह सबसे पहले किसने किया? पसली ने। तो जहां से गुनाह शुरू हुआ वही मेरे मसीहा ने भाला खा के गुनाह की रोकथाम कर दी। जहां से गुनाह सरजद हुआ था, जहां से गुनाह शुरू हुआ था वही मेरे मेरे मसीहा ने भाला खाया और गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुनाह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ जी, दूसरा कुर्सियों दूसरे बाब की 14वीं आयत रहा था और अपनी फतह पर खुश हो रहा था, और यस्सू ने क्या किया? उसका बरमला तमाशा किया, उसका बरमला तमाशा। हाँ जी, दूसरे बाब की ऊपर और हमारे खिलाफ थी हाँ जी, और उसको स्लीप पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को, हुकूमत किसकी थी? अबलीस की। अख्तियार किसका था? अबलीस का। उसने क्या किया? हुकूमतों और अख्तियारों को ऊपर से हटा दिया, अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, बरमला तमाशा बनाया। हाँ जी, और स्लीप के सबब से उन पर फतायाबी का शादियाना सलीम के सबब से उन पर फतायाबी का शादियाना बजाया। इंसान और खुदा का मिलाप हो गया, गुनाह की रोकथाम हो गई, और अबलीस शर्मिंदा हो गया, उसका बरमला तमाशा किया, और मौत फतह का
ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा, और मुर्दों में से जिंदा होके ये साबित कर दिया, ऐ मौत तू अंबिया को मकलूब करती रही, आ मेरे साथ पंजा जमाई कर, कहां गई वो तेरी फतह, कहां गया वो तेरा जश्न, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग, ये चारों काम जो अधूरे पड़े थे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, और ये जिंदगी उसके बेटे में है, ये जिंदगी उसके, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। और जब वो सुहार शहर के लोग आए मेरे मसीहा के पास, अंधों को बिनाई मिल गई, बैरों को सुनवाई मिल गई, गुंगों को गोयाई मिल गई, लंगड़े चलने लगे, तो अब वो सौरभ से कहने लगे चौथे बाप की 42वीं आयत कि हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाए, हमने अपनी आंखों से देख लिया है और जान गए हैं कि दुनिया का मुनजी यही है, दुनिया का मुनजी 42वीं आयत पर मरकूम है सफा नंबर 85 नया अहदनामा। और उस औरत से कहा अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, हाँ जी, कि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनजी है। आमीन। यसु एक मुशाहदा, यसु एक तजर्बा है जिसकी जिंदगी में आ जाता है। जिस अंधे को बिनाई मिल गई उसे ये जिंदगी का पानी मिल गया, मखलसी मिल गई। जिस बहरे को कान मिल गए जिंदगी का पानी मिल गया। जिस गुंगे को गुयाई मिल गई जिंदगी का पानी मिल गया। ओ धन जिस दे बख्शे गए ते टके गए सारे, उसको क्या मिला? ओ नजात मिल गया, जिंदगी का पानी फरावानी से मिल गया जी। ओ धन जिस दे बख्शे गए ते टके गए सारे, तो दाऊद नबी कहता है जिन्ना चढ़दे तो है लेंदा ओने दूर असाडे, पाप खुदा ने चुक के सारे सुटे दूर दराडे। अजी ये चार काम थे जो यसु ने किए, और आज वो हमारे साथ भी उसी तरह सवाल करता है, अगर तू खुदा की बख्शिश को, अगर अब भी हम खुदा की बख्शिश से नावाकिफ हैं। लीजिए जी 45 पर मरकुस 46 से पढ़िए, 46वीं आयत है, यहाँ पर लिखा है और वो यरू में आए, और वो यरू में आए, ये यरू वही है जिसे सबसे पहले यशवा ने फतह किया, ये नाकाबले तस्खीर किला था। पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा चक्कर लाया, जिसने सातवां चक्कर में लाया तो उन्होंने अपना बाजा बोला बाजा ओ दीवार जर पड़ी, वही दीवार जो नाकाबले तस्खीर थी, वो किला जो नाकाबले तस्खीर था फतह हो गया। उसी यरू की बात हुई है, उसी चुराहे में ये अंधा बर्तमाई था जो भीख मांगा करता था, उसकी कहानी मेरे मसीहा की जमीनी जिंदगी का वाकया है। हाँ जी सुनिए, और वो यरू में आए, यीशु मुझ पर रहम कर, और बहुतों ने उसे डांटा के चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया के इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ, बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा ऐ रबुनी ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलपोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। शुक्रिया। ये उसी यरू का वाकया है, उसी के सड़क पर उसके चौराहे में एक अंधा बर्तिमाई भीख मांगा करता था। किसी ने कहा जा यीशु नासरी के पास, वो अंधों को बिनाई दे देता है, गुंगों को गुयाई दे देता है और लंगड़े लूड़े वो चलने लगते हैं। वो अपनी मजदूरी दायर करता, मैं कैसे मसीहा के पास जाऊं, मेरा ठेकेदार सुबह मुझे बिठा के जाता है और रात को हिसाब